हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो हमने कवर किया है प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, वो भी टॉप 10 क्वेश्चनों के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और यह वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर पहली बार कनेक्ट हुए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड वीडियो को करें लाइक, और साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, ताकि हमारी वीडियो जो भी पढ़े वो आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अमिताभ घोष पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है छाया रेखाएं, ऑप्शन बी है इमाम और भारतीय, ऑप्शन सी भूखा ज्वार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसमें सभी इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ और पाई पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉर्ज सैंडर्स, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी इयान मार्टेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इयान मार्टेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अरविंद अडिया, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरविंद अडिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लेग पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अल्बर्ट कैमस, ऑप्शन बी बी एस नायपॉल, ऑप्शन सी सैमुअल बेकेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अल्बर्ट कैमस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार, ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साहेब बीबी गुलाम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या है, अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ये दो बार टाइप हो गया है नोसु, और ऑप्शन डी विमल मित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विमल मित्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रंगभूमि पुस्तक किसने लिखी है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे ध्यान से आप भी याद रखिए। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी महाश्रेता देवी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी गुलजारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कोरा कागज पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी अरुण दत्त राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृता प्रीतम। देखते हैं इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राय तरंगड़ी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए कलहड़, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी गुलजारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कलहड़। तो इस क्विज में हमने 10 क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में कवर किए। जो अगली वीडियो आने वाली है वो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपकमिंग मिलेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।